वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दवा संबंधित जानकारियों के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX कुंज पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक आयुर्वेदिक औषधि गिलोय के बारे में जानेंगे। गिलोय क्या है, कहाँ पाया जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है, इसके गुण क्या है, इसके फायदे क्या है और गिलोय किन किन रोगों में उपयोग किया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत में गिलोय की लता सर्वत्र पाई जाती है। बरहो मास सदा हरी भरी रहने वाली यह लता कई वर्षों तक फलती बढ़ती रहती है। बेल वृक्षों की सहायता से फैलती है। नीम पर चढ़ी गिलोय को उत्तम गुण वाली औषधि माना जाता है। यह बेल खेतों की मेढ़ों, पहाड़ों की चट्टानों पर भी कुंडलीकार में मिलती है। पत्ते हृदय के आकार के पान के पत्तों के समान व्यवस्थित तरीके से 2 से 4 इंच व्यास के चिकने होते हैं। पत्र दंठल 1 से 3 तथा पत्र वित्र 3 से 4 इंच लंबा होता है। पुष्प छोटे छोटे पीले रंग के गुच्छों में लगते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। फल मटर के समान अंडाकार चिकने गुच्छों में लगते हैं जो पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। बीज मुड़े हुए टेढ़े मिर्चे के दानों के समान सफेद चिकने होते हैं। गिलोय को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे संस्कृत में गुड़ुची, हिंदी में गिलोय, अंग्रेजी में गुलाचा, लैटिन में टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया कहा जाता है। आइए अब गिलोय के गुणों के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय गुण में लघु, हल्की, स्निग्ध, तासीर में गर्म, पचने पर मीठी, स्वाद में चरपरी, कड़वी, खाने में स्वादिष्ट, ग्राही, बलदायक, भूख बढ़ाने वाली, वात पित्त और कफ नाशक, रक्त शोधक, धातु वर्धक, प्यास जलन, ज्वर वमन, पांडु खांसी बवासीर, आम वात, पथरी, प्रमेह, नेत्र, केश और चर्म रोग, अम्ल पित्त, उदर विकार, मूत्रावरोधक, यकृत रोग, मधुमेह, कृमि, क्षय रोग आदि में गुणकारी होती है। गिलोय को पहले दर्जे का गर्म और खुश्क माना गया है। तिक्त होने से पेट के कीड़ों को मारने में यह सक्षम है। सभी प्रकार के ज्वर में लाभदायक है। गिलोय की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें बबेरिन एल्केलाइड, गिलोइन नामक कदुआ एल्केलाइड, वसा, अल्कोहल, ग्लिस्टेराल, अनेक प्रकार की वसा, अम्ल एवं उड़नशील तेल पाए जाते हैं। पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और तने में स्टार्च भी मिलता है। परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि वायरस पर गिलोय का प्राण घातक असर होता है। इसमें सोडियम सैलिसिलेट से अधिक दर्द निवारक गुण होता है। क्षय रोग के जीवाणुओं की वृद्धि को रोक पाना, उनके सिस्ट बनने में रुकावट पैदा करना, इंसुलिन की उत्पत्ति को बढ़ाकर ग्लूकोज का पाचन करना, रोग संक्रमणों को रोकने की क्षमता के कारण एंटीबायोटिक की तरह भी गिलोय कार्य करती है। आइए अब जानते हैं कि गिलोय का विभिन्न रोगों में प्रयोग और फायदे। दांतों में पानी लगना। गिलोय और बबूल की फली समान मात्रा में मिलाकर पीस लें, सुबह शाम नियमित रूप से मंजन करें। मधुमेह, गिलोय का सत्व 15 ग्राम और घी 5 ग्राम मिलाकर दिन में 3 बार लें। रक्त पित्त में मुलेठी, गिलोय और मुनक्का तीनों को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर आधा लीटर पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। 1 कप की मात्रा में 2 से 3 बार सेवन करें। खुजली में हल्दी को गिलोय के पत्तों के रस के साथ पीसकर खुजली वाले अंगों पर लगाएं। गिलोय का रस 3 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम पिएं। बवासीर में छाछ के साथ गिलोय का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार लें। मोटापा में हरड़, नागर मोथा और गिलोय बराबर की मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच चूर्ण शहद के साथ दिन में 3 बार नियमित लें। इक्का रोग, सोंठ का चूर्ण गिलोय के चूर्ण में बराबर मिलाकर बार बार सूंघें। मुहासे में नींबू का रस बराबर की मात्रा में गिलोय का रस में मिलाकर लगाएं। सभी प्रकार के ज्वर में गिलोय, सोंठ, धनिया, चिरायता, मिश्री सभी बराबर की मात्रा में मिलाकर पीस लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार उसके साथ लें। उल्टी में गिलोय का रस मिश्री में मिलाकर 2-2 चम्मच 3 बार पिलाएं। क्षय में काली मिर्च, गिलोय, वंश लोचन, इलायची बराबर की मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में 1 कप दूध के साथ कुछ हफ्तों तक नियमित लें। प्रमेह में गिलोय का रस, हल्दी का चूर्ण और शहद बराबर की मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 3 बार नियमित रूप से 10 से 15 दिन तक सेवन करें। कब्ज में गिलोय का चूर्ण बराबर की मात्रा में गुड़ के साथ मिलाकर 2 चम्मच सोते समय सेवन करने से कष्ट दूर होगा। आमाशय की अम्लता, सर के अनेक विकार, पांडु, कमला, मूत्र विकार, नेत्र विकार में गिलोय का रस सेवन करना लाभप्रद होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और को भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। और एक रिक्वेस्ट है आपसे,
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।